नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीवन है ओ। तो दोस्तों, आज हम हेल्दी टिप्स में देखेंगे नवजात शिशु के बारे में। जी, नवजात शिशु की 3 माइल, उसका अगला एपिसोड हम तीसरा एपिसोड देखेंगे। ये चैनल शुरू करने से पहले आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएँ ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। दोस्तों, हम नवजात शिशु के बारे में बातें कर रहे थे कि नवजात शिशु, अगर आपके घर, किसी के घर भी नवजात शिशु की जन्म होने वाला है तो आप सिटी के बजाय, शहर में रहने के बजाय आप गांव में रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, गांव में इसलिए रहेंगे कि गांव में एकदम खुली हवा रहती है, एकदम सी खुली हवा, एकदम ताज़ा ऑक्सीजन रहता है और वो जो वातावरण रहता है वो नवजात शिशु के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप वहाँ पे गांव में जाकर आपके नवजात शिशु को जन्म देंगे, वहाँ पर उसे 4-5 महीने तक संभालेंगे या 1-2 महीने तक भी संभालेंगे तो भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप जब वो शिशु को गांव से शहर में लाएंगे तो उस टाइम वो बीमार पड़ सकता है। उसका कारण क्या है तो वो भी मैं बताता हूँ। और जो शिशु सिटी में पैदा होगा और उसे आप गांव लेके जाएंगे तो वो भी शिशु बीमार पड़ सकता है। वो बीमार ना पड़े इसलिए आप उसके ऊपर क्या ध्यान देंगे, ये बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मच्छी पालन करने वाला एक आदमी अपने खेत में एक बड़ा सा तालाब रखता है, उसमें पानी रखता है, ठंडा सा पानी, अच्छा स्वच्छ सुंदर पानी रखता है वहाँ पे, और जब मछली लाता है वहाँ से तो उस मछली में, उस कैरी बैग में बहुत सारी मछलियाँ होती है। वो कैरी बैग में जो मछली वो लाने के बाद डायरेक्टली वो खेत के तालाब में नहीं छोड़ता, उस पानी में नहीं छोड़ता, वो मछलियाँ मर जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, मत्स्य पालन करने वाला आदमी, वो कैरी बैग लाएगा और उस तालाब में 2-4 घंटे तक वैसे ही कैरी बैग रखेगा, क्योंकि उस पानी का, तालाब का और इस कैरी बैग के पानी के जो टेम्परेचर रहता है वो सही हो जाए, वो एकदम नियंत्रित हो जाए। उसके बाद 2-4 घंटे के बाद वो कैरी बैग का ढक्कन खोलेगा, थोड़ा सा तालाब का पानी उस बैग में डालेगा। 1-1 घंटे के बाद वो हमेशा ऐसा करते रहेगा कि तालाब का पानी उस कैरी बैग में डालेगा, क्योंकि उस पानी का नियंत्रण और उस तालाब का पानी का नियंत्रण एक जैसा रह जाए और मछलियों को कुछ तकलीफ ना हो। जब वो ऐसा 4-5 बार करता है तो फिर धीरे धीरे वो मछलियाँ पानी में मिक्स होने लगती है, तभी वो मछलियाँ जिंदा रहती और खुशी से रहती है, बड़ी हो जाती है। वैसे हमारे नवजात शिशु का होता है, जब वो शिशु गांव में पैदा होता है तो उसे बहुत ताज़ा ऑक्सीजन, ठंडी हवा, मस्त एकदम स्वच्छ हवा उसे मिल जाती है, तो वो हवा उसे पोषक रहती है। और जब उसे हम शहर में लाएंगे तो शहर में जो हवा होती है वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हवा होती है और गर्माहट वाली हवा होती है। आप डायरेक्टली शिशु को लाएंगे तो ऑक्सीजन उसके नाक के थ्रू उसके शरीर में जाएगा, ये गर्मी के कारण उसके शरीर लाल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा। वैसे शहर वाला बच्चा गांव में गए तो वो ठंडी हवा के कारण बीमार पड़ जाएगा, ठंडी हवा नाक में से, कान में से जाएगी तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए आप उस शिशु को जब लाएंगे तो पूरा उसके कान बांधने चाहिए, उसके चेहरे पर पतला सा, एकदम हल्का पतला सा मास्क उसे पहनना चाहिए, शरीर में आप कपड़ा डालेंगे। गांव में भी रहेंगे तो भी ऐसे ही आप रोज़ उसे करेंगे और रोज़ ऐसा करने से उससे गर्माहट की आदत हो जाएगी।
और जब वो शिशु शहर में लाएंगे तो उसे डायरेक्टली कभी खोलना मत, उसका मांस भी डायरेक्टली खोलना मत, उसे एक दो दिन की आदत पड़ने दीजिए वो सांस लेने के लिए। और सांस लेगा तो उसे थोड़ी 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 आदत हो जाएगी, और उसके बाद उसके शरीर में से जो कपड़े हैं वो जाड़े कपड़े निकाल के पतले कपड़े आप उसे पहना सकते हैं। उसके कारण उसको इस हवामान से अंदाज़ा हो जाएगा, उसके शरीर को उसकी आदत हो जाएगी, उस कारण वो बीमार नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली बच्चों का आते खुला करते हैं, वो बीमार पड़ जाता है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता। तो ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिए और दूसरों को भी ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका नवजात शिशु बीमार ना पड़े। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।